गुलबर्गा आम आदमी पार्टी में लेडीज़ ज्वाइनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से 100 से ज़्यादा लेडीज़ ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। गुलबर्गा सिटी पार्टी ऑफिस पर सिटी प्रेसिडेंट सज्जाद अली इनामदार की सदारत में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। लेडीज़ ज्वाइनिंग के अलावा जावेद शेख को सिटी वाइस प्रेसिडेंट और मुख्तार आलम को सेक्रेटरी के अहदे से नवाजा गया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स ने कहा, अगर आवाम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी तो दिल्ली की तरह कर्नाटक और गुलबर्गा में भी बेहतर स्कूल, हॉस्पिटल और साफ पानी और दीगर डेवलपमेंट दिया जाएगा। और आखिर में सज्जाद अली इनामदार ने अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं से वादा कर कहा, कुछ महीनों में कुल 10,000 से ज़्यादा लेडीज़ को आम आदमी पार्टी में जोड़ा जाएगा। पैसे मांग रहा है या कोई भी चीज आपका काम है, आप यहाँ पर लाओ, इंशाल्लाह वो चीज हम हमारे हाथ में करके देंगे। केजरीवाल साहब ने जब शुरू किया था तो वो अकेला था, लेकिन आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक ऑनेस्ट पार्टी, एक ईमानदार पार्टी, गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई। देखते देखते अगर हम लोगों ने अभी मेहनत नहीं किया तो हमारा हाल कैसे ही रहेगा? कोई नहीं आपको मदद करने वाला। हमको अपने आप को मदद करना है अगर, तो आम आदमी पार्टी को मदद करना है। जब हम अपने आप को मदद करेंगे तो हमारी हमारी जो है ना पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो हमने जो है ना आपकी मदद को देखते हुए हमने कहा कि चलो सर आप लोग, मैं भी अपना काम करता हूँ, अपना भी काम देता हूँ। और अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ही मुद्दा है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग हिकमत अमली से जाकर के उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज मैं कलबुर्गी शहर के आम आदमी पार्टी की ऑफिस से बड़े खुशी के साथ आपको ये मैसेज दे रहा हूँ। आज हमारे इस ऑफिस में, गुलबर्गा सिटी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, कम से कम 100 बहनों ने शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों से हमारे ऑफिस में आकर अपने आप अपने दिल से हमारे ऑफिस में आकर आम आदमी पार्टी की रुकनियत जो है ना हासिल की है और आम आदमी पार्टी में शमूलियत किए हैं। मैं मेरे तमाम बहनों का इस्तकबाल करता हूं और साथ साथ मेरे दोस्त जनाब जावेद शेख साहब
और वाजिद कंस्ट्रक्शन और हमारे मैडम रोहिणी जी, हमारे मैडम चंद्रलीला जी, हमारे सेक्रेटरी साहब मुख्तार आलम साहब, हमारे जेवरगी के लीडर बसवराज हरवाल साहब, अशफाक साहब, आप तमाम का और मेरी बड़ी बहन, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने आप तमाम को, मेरी बहनों को दिल्ली में जो 10 सहूलतें मिल रहे हैं, वो तमाम सहूलतें गुलबर्गा शहर में और कर्नाटका में हमारी पार्टी देगी, ये वादा किया है। और तमाम चीज़ उनको जो है ना तफसील से समझाया हूँ। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम भाइयों से, गुलबर्गा के शहरियों से, अगर आपकी सच्ची खिदमत कौन कर सकता है, सच्चे दिल से अगर कोई खिदमत कर सकता है तो कांग्रेस नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं कर सकती, सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपके दरवाजे तक आके, आपके घर तक आके आपको हर चीज़ की सहूलत हासिल करवाएंगे। 2 महीने के अंदर 10,000 लेडीज़ जो है ना हम जमा करेंगे, ये हमारा टारगेट है। मेरे पार्टी से भी मैं वादा करता हूँ, मेरे अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी सर से मैं वादा करता हूँ, मेरे उपाध्यक्ष श्री विजय शर्मा जी से वादा करता हूँ, तमाम टीम से वादा करता हूँ, और दिल्ली के MLA साहब दिलीप पांडे साहब से मैं कर्नाटका इंचार्ज से वादा करता हूँ, 2 महीने के अंदर 10,000 लेडीज़ का फंक्शन आपको बुलाकर हम करेंगे, ये मेरा वादा है। गुलबर्गे के वाजिद भाई का वादा है, वाजिद भाई का वादा है, हरवाल जी का वादा है, चंद्रलीला जी का वादा है, रोहिणी जी का वादा है, हम सबका जॉइंट वादा है। जय हिंद।